हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स जो बिहार साइड को बिलोंग करते हैं या फिर वेस्ट बंगाल को बिलोंग, ज़्यादातर बच्चे डब्ल्यू बी जेई का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानते हैं। 1962 में आपका ये स्टार्ट हुआ था डब्ल्यू बी जेई का एंट्रेंस एग्जाम। बहुत ही पुराना ये एग्ज़ाम कंडक्ट जो हो रहा है, बहुत ही पुराना समय से ये चलता आ रहा है। और इसमें मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही लाई करते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें जो डब्ल्यू बी जेई से बच्चे एंट्रेंस यहाँ लेते हैं, होम स्टेट का कोटा लमसम 90% रहता है और जो अदर स्टेट के बच्चे रहते हैं उसमें 10% सीट्स अवेलेबल रहती हैं। और जितने भी कॉलेजेस हैं इसमें मोस्टली जो डब्ल्यू बी जेई का, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम अभी एग्जाम हुआ था जो 30 तारीख को, तो उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो बच्चों आपको इसमें कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी लाई करती हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें रहते हैं, तो क्लोजिंग रैंक क्या जाती है डब्ल्यू बी जेई की, या फिर जेई मेन से एक्सेप्ट कर रहा है तो जेई मेन से क्या उसमें क्लोजिंग रैंक जाती है, ये सभी कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और भी काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का एमएस सेट है, देन आप साउथ में अगर आप जाना चाहते हैं तो कॉमेडेक का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उन पे भी हम लोग बात करते रहेंगे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स पे, कौन से रिलेटेड कॉलेजेस हैं तो वो सब हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज हम लोग वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स रहते हैं यहाँ पे डब्ल्यू बी जेई के, उसमें हमारा नंबर वन में जो लाई करता है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। एक बात और बता सकते हैं, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और वे डब्ल्यू बी जेई की रैंक को एक्सेप्ट करते, जितने भी कॉलेजेस यहाँ पे लाई करते डब्ल्यू बी जेई की रैंक से, तो वो आपकी फीस बहुत कम रहती है। यहाँ पे लमसम अगर देखें 10,000 कहीं के 12,000 ऐसे फीसेज रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में आप सभी जानते हैं 4,000 फीसेज की, तो और भी कम है। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस आपको कम ही मिलेगी, तो आप आराम से इसका अगर एग्जाम दिया है तो आप इसकी काउंसलिंग्स कर सकते हैं। वीडियो देखते रहिएगा, सारे कॉलेजेस पता चल जाएंगे। और जब डब्ल्यू बी जेई की काउंसलिंग शुरू होगी तो उस पर भी आपको चॉइस फिलिंग का एक ऑर्डर मिल जाएगा सभी बच्चों को जो कि कनेक्टेड है द मेंटा से। इसीलिए कहते हैं कि बेटा से सब लोग कनेक्टेड रहो भाई, क्योंकि बहुत हेल्प होने वाली है काउंसलिंग्स के लिए आपकी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, देन हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है और फीस यहाँ की बहुत मिनिमम है। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी आसनसोल में ही बनी हुई है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बुरदावा, अलिया यूनिवर्सिटी ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है अलिया यूनिवर्सिटी, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय ये आपकी अच्छा कॉलेज है ये भी, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज ये भी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स है। तो ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे पार्ट लेते हैं इस इंस्टीट्यूट में। देन स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस की बात करें, जो स्टेट के गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जिसमें नंबर वन में आता है कूच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, देन आपका गवर्नमेंट ऑफ इन कॉलेज द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोलकाता, देन आपका आता है टेक्सटाइल का यहाँ बहरामपुर में इंस्टीट्यूट एक बना हुआ है, देन आपका सेरेमिक टेक्नोलॉजी कोलकाता में बना हुआ ये इंस्टीट्यूट है, एंड आपका टेक्सटाइल का जो इंस्टीट्यूट है वो आपका सेरामपुर में बना हुआ कॉलेज है। काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन जो ब्रांचेज यहाँ पे मैंने मेंशन नाम पे की है, तो ये काफ़ी स्पेशलाइज कॉलेजेस हैं इन ब्रांचेस के लिए। देन हमारा है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, देन हमारा आता है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इनकी फीस बहुत कम रहती है, बहुत ज़्यादा फीसेज नहीं है, 10,000 कहीं 15-13 ऐसे फीसेज यहाँ पर रहती है। रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड देन घनीखान चौधरी जो कि आपका जीएफटीआई भी है, वहाँ से भी आपकी सीट लेता है। तो ये आपके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं स्टेट के गवर्नमेंट के, जो आपकी डब्ल्यू बी जेई की रैंक को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम हमें वेस्ट बंगाल में ही जैसे एडमिशन लेना है, तो प्राइवेट में काफ़ी सारे कॉलेजेस रहते हैं जिसकी रैंकिंग आप लोग पूछते रहते हैं, मैम यहाँ पे टॉप रैंकर्स कौन से कॉलेजेस हैं, तो वो चॉइस फिलिंग के दौरान पे आपको सेंड कर दी जाएगी कि पहले आपको कौन सा फिलअप करना है, देन बाद में आपको कौन से फिलअप करने हैं कॉलेजेस। तो अभी हम नेम देख लेते हैं, जैसे कि अबैकस इंस्टीट्यूट है, अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी हुगली में बना हुआ कॉलेज है, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज है, बी पी पोडार इंस्टीट्यूट है, बंकुरा यूनानी इंस्टीट्यूट ये आपका बंकुरा में है, बंगाल कॉलेज बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन आपका ढापा में बना हुआ कॉलेज है बंगाल इंस्टीट्यूट, देन बिरहम इंस्टीट्यूट ये आपका बिरहम में बना हुआ है, देन आपका बज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलकत्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कलकत्ता इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, देन आपका है कामलिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देन कामलिया में एक और इंस्टीट्यूट है आपका हुगली में एक बुरदावा में, दो कैंपसेस इसके बने हुए हैं प्राइवेट के। तो आप देख सकते हो प्राइवेट में ये आप कॉलेजेस ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं प्राइवेट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा आता है कमलिया इंस्टीट्यूट, जो अभी हमने बताया उसका एक मध्यमग्राम में भी बना हुआ इंस्टीट्यूट कैंपस है और एक बरासात में बना हुआ ये कैंपस है, दो तीन कैंपसेस मींस इसके हो गए। देन हमारा है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कालाघाट में बना हुआ कॉलेज है, डॉक्टर बी सी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज ये आपका दुर्गापुर में बना हुआ है, डॉक्टर सुधीर चंद्र इंस्टीट्यूट ये आपका कॉलेज भी बना हुआ है, ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
परगनाज साउथ, ये आपका यहाँ पे बना हुआ है, डमकल इंस्टीट्यूट, देन दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, देन आपका इलाइट इंस्टीट्यूट भी काफ़ी अच्छा है, वो अगर हम प्राइवेट में बात करें तो ये भी अच्छा कॉलेज है। फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका सोनारपुर में बना हुआ कॉलेज है, देन आपका फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक और है जो अदर कैंपस है इसका, देन गार्गी मेमोरियल इंस्टीट्यूट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ग्रेटर कोलकाता कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ये भी अच्छा कॉलेज है जो आपका बुरुईपुर में बना हुआ कॉलेज है। ये प्राइवेट कॉलेजेस हो गए। देन नेक्स्ट हम बात करें गुरु नानक इंस्टीट्यूट की, ये सारे प्राइवेट की कॉलेजेस की लिस्ट है। हल्दिया के बारे में सभी कोई जानता है, हल्दिया एक अच्छा कॉलेज है यहाँ का वेस्ट बंगाल में, और आपका हेरिटेज भी काफ़ी नोन इंस्टीट्यूट है। देन आपका यहाँ पे आता है हुगली इंजीनियरिंग कॉलेज, आइडियल IMPS, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सॉल्ट लेक के पास है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मदीनीपुर में है ये कॉलेज आपका। देन आपका JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, JLD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन आपका कनड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मलबम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड MCKV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके प्राइवेट के कॉलेजेस हैं। बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं आपके यहाँ प्राइवेट में, आप आराम से इसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें चॉइस फिलिंग कैसे होगी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सारे प्राइवेट के बारे में बता दे रहे हैं जितने भी लाइक करते हैं, मनगढ़ सहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंस्टीट्यूट, मुर्शिदाबाद कॉलेज, नरूला इंस्टीट्यूट, देन नौशिया इंस्टीट्यूट, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, NSHM इंस्टीट्यूट आपका, ओम दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पैलन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, RCC इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका रीजेंट एजुकेशन एंड रिसर्च, सनका एजुकेशन ट्रस्ट, CCOM इंजीनियरिंग कॉलेज, सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये भी आपके प्राइवेट के कॉलेजेस हो गए, लमसम 30 के आसपास कॉलेजेस यहाँ पे हैं प्राइवेट के। सेंट मैरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सेंट थॉमस इंस्टीट्यूट, सुप्रीम नॉलेज फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, देन आपका स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सुरेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका काफ़ी अच्छा कॉलेज है। देन टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्नो के भी कैंपसेस काफ़ी सारे, एक बानीपुर में है, एक बतानगर में है, एक न्यू टाउन पे आपका टेक्नो का कॉलेज है, और एक सॉल्ट लेक में, चार कैंपसेस इसके भी हैं। तो टेक्नो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसके बारे में भी बहुत बच्चे रिव्यू जानना चाह रहे थे कि मैम प्लीज़ इसका भी रिव्यू कर दी। तो हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट के वन बाय वन रिव्यू अगर हो सके तो हम उनका भी आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल में ही रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यू हैव टू कॉमेंट, आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको स्पेशली किसी कॉलेज के बारे में जानना है, प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स जानना क्या चाहते हैं और हमने क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें जिससे कि उनको कहीं गूगल में सर्च ना करना पड़े, सब कुछ द मेंटा से ही पता चल जाए। तो आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं, कट ऑफ पे आते हैं वेस्ट बंगाल। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के नेम्स एंड प्राइवेट कॉलेजेस के नेम, अब हम लोग अगर कट ऑफ की बात करें तो इस पे हमने द मेंटा ने, पूरी टीम ने आप लोग को लास्ट ईयर काउंसलिंग में हेल्प करने के लिए एक PDF फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया था। तो PDF फाइल जो है आपकी चॉइस फिलिंग के लिए या फिर कट ऑफ जाने के लिए, वो आपको ईबुक पे भी मिल जाएगी, आपने अगर ईबुक डाउनलोड कर ली है तो, और अगर नहीं मिल पाई है तो आप हमारी टीम में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको वो फाइल ज़रूर मिल जाएगी और आप उसमें कट ऑफ देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग अगर यहाँ देखें वेस्ट बंगाल के, ये सारे ही ब्रांचेस मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, और इसके कट ऑफ OBC SC एंड जनरल सबका यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। WBJEE की अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए ये, तो आपको ये कॉलेजेस मिल, ये कॉलेज में मिलने का चांसेस रहता है। तो पहले अगर हम देखें यहाँ पे CSE ब्रांच के लिए तो 87 पे क्लोजिंग रैंक गई है जनरल कैटेगरी की, और OBC में 556 तक गई है, SC में 926 तक गई है कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे क्लोजिंग रैंक। और अगर हम लोग बात करें इसमें बहुत सारी ब्रांचेज जैसे प्रिंटिंग है, पावर है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, तो इसमें अगर हम लोग क्लोजिंग देखें तो 1669 तक यहाँ पे गई है पावर पे, प्रिंटिंग में 3347 तक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पे मिल गई है जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, और फूड टेक्नोलॉजी भी 3234 तक बच्चों को मिली है। तो काफी अच्छी ब्रांचेस ये भी रहती हैं, अगर आप इस पे स्कोप जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, स्कोप आपको इन कॉलेज इन ब्रांचेस का भी मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा ये ब्रांचेस जो है वो इंस्टीट्यूट्स में नहीं अवेलेबल होती हैं जैसे कि जादवपुर में अवेलेबल है, तो इससे आपको प्लेसमेंट भी काफी अच्छे मिलने के चांसेस। अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे सिक्स ओपनिंग रैंक और 11 क्लोजिंग रैंक पे ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। हम बात करें मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की, 981 पे यहाँ पे ओपनिंग गई तो 1041 तक यहाँ पे क्लोजिंग रैंक पे कॉलेज मिला हुआ है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में देखेंगे अगर तो ये 1572 पे ओपन हुआ है और 1800 लमसम रैंक तक ये क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ब्रांच। और भी सारी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, IT, फूड टेक्नोलॉजी ऐसे 1269 पे क्लोजिंग गई है, तो आप इन पे भी देख सकते हैं कट ऑफ की क्लोजिंग रैंक कहाँ कहाँ तक ऑल इंडिया कोटा पे बच्चों को ये मिला हुआ है। तो अभी मैंने रिजर्वेशन के बारे में बताया था कि 90% होम स्टेट पे रहता है और 10% आपका अदर स्टेट पे रहता है, तो आप देख सकते हो ये क्लोजिंग रैंक जादवपुर यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देखते हैं, अब आता है हमारा
KGEC कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें कंप्यूटर साइंस का आपके जैसे जनरल का 1550 की क्लोजिंग रैंक पे कंप्यूटर साइंस मिली है। अदर कैटेगरी में देखें तो OBC में 4323 पे गई है और 6625 पे SC पे गई हुई है। नेक्स्ट हम देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 6381 पे जनरल कैटेगरी पे क्लोजिंग गई है और 21000 पे लमसम ये OBC पे गई है और 13000 पे लमसम ये SC कैटेगरी में आपको ये क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो ये सारे ही कट ऑफ आपको ई बुक में भी मिल जाएंगे। सारा आप ई बुक अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड आपको PDF फाइल भी शेयर कर दी जाएगी। अब हम कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद बात करें तो IIM कोलकाता, ये प्राइवेट कॉलेज है, ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है और काफ़ी अच्छे रैंकिंग में लाई करता है। JEE मेन की अगर हम लोग रैंक पे देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 11328 पे ये क्लोजिंग रैंक गई है JEE मेंस की और आपकी WBJEE में 19000 तक लमसम ये रैंक पे अलॉट हुआ है कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे WBJEE पे। नेक्स्ट हम देखें CSE 4000 तक गई है कंप्यूटर साइंस, अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करें तो, और आपकी JEE मेंस से 4627 तक में ये क्लोजिंग रैंक गई है WBJEE से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करें तो ये 6000 तक गई है और 8000 तक ये गई है WBJEE। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन IoT को देखें तो 7383 पे गई JEE मेंस पे और 15000 तक गई है ये WBJEE पे, ठीक है। और हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 79000 तक गई है WBJEE से और 1 लाख तक गई है ऑलमोस्ट ये JEE मेंस से, 1,05,061 तक गई है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की। और हम लोग देखें मैकेनिकल के लिए तो ये 1,86,000 तक गई है और 71000 तक गई है WBJEE से। आप देख सकते हैं IIM कोलकाता का जो JEE मेन से रैंकिंग है वो कितनी ज्यादा रैंक तक में मिला है और आराम से इसमें आपको मिल सकता है IIM कोलकाता। अदर स्टेट के ही बच्चे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग्स के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। प्राइवेट में आपके लिए सीट्स रहती हैं, आप इसमें ले सकते हैं एडमिशन। नेक्स्ट हम देखें हेरिटेज का, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का देखें तो 57000 पे यहाँ पे गई WBJEE की एंड 1,58,000 पे गई है JEE मेंस की क्लोजिंग रैंक पे। बायोटेक का 61000 और 3 लाख तक गई है JEE मेंस से और 5,53,000 तक गई है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच और JEE मेंस से और आपकी 1,26,000 तक गई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिकल लेने के लिए या CS लेने के लिए, CS से सब्सिट्यूट ब्रांचेज रिलेटेड रहती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जैसे कि, और आपकी ब्रांच हो गई यहाँ पे IT हो गई, तो आप डाटा साइंस हो गई, तो आप यहाँ पे JEE मेंस की रैंक से भी जा सकते हैं। 49000 तक लमसम ये मिला है डाटा साइंस और आप WBJEE की रैंक से भी जा सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों आप सारे कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं, ब्रांच वाइज ये सब कुछ मेंशन कर दिया गया आपको इजी, ताकि आपको इजी लगे काउंसलिंग करने में, चॉइस फिलिंग करने में, आपको पता चले कि कौन से कॉलेजेस में कितनी रैंक तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ताकि आपका भी जो रैंक है वो अच्छे से यूज़ हो पाए और वेस्ट ना हो आपकी रैंक, ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है इंस्टीट्यूट इसके बाद वो हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा का अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो कंप्यूटर साइंस 843 तक गई है लमसम WBJEE में और OBC में देखें तो 2580 और 4162 पे SC कैटेगरी तक में रैंक गई हुई है यहाँ पे। और हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो 1640 तक गई है और SC में 7903 तक लमसम गई है। एंड हम बात करें पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो ये 6349 तक गई है क्लोजिंग रैंक और OBC में 28000 तक लमसम क्लोजिंग रैंक गई है और SC में बात करें तो ये 18000 लमसम रैंक पे क्लोजिंग रैंक पे आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गया है। तो ये बच्चों आपको जो कट ऑफ एनालिसिस हम लोग दे रहे हैं, आप वन बाय वन इसको देखते जाइए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा की फीस भी बहुत कम है और ये मिल भी रहा है ज्यादा रैंक पे, आप देख सकते हो कितनी कितनी क्लोजिंग रैंक पे मिल रहा है। देन जलपाईगुड़ी इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें आपकी कंप्यूटर साइंस 2152 तक गई है, OBC में 6000 तक लमसम और SC में 7000 रैंक लमसम तक मिल गई है और सबसे ज्यादा यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लमसम 10000 की रैंक तक मिली है, 33000 तक OBC में और 18000 तक SC कैटेगरी वाले बच्चे को यहाँ पे मिल गई है। तो बच्चों आप देख रहे हो ना कट ऑफ कितनी कितनी ज्यादा रैंक तक में भी मिलने के पूरे चांसेस हैं। इलेक्ट्रिकल EC IT का भी आप देख लो, ये पूरा चार्ट मेंटेन्ड है, आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो कितनी कितनी रैंक तक में कॉलेज अलॉट हुए हैं और इसकी भी फीस काफ़ी कम रही। जलपाईगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद अब हम लोग बात करें यहाँ पे कॉलेज आता है मकॉट कलकत्ता। मकॉट की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ कंप्यूटर साइंस का 5138 पे गई है यहाँ पे क्लोजिंग रैंक 5138 एंड OBC की यहाँ पे गई है 13,000
572 पे ओबीसी कैटेगरी, आईटी की देखें तो 7,284 पे गई है और ओबीसी में 18,000 तक लमसम मकाउट में गई हुई है क्लोजिंग रैंक। तो आप ये देख सकते हैं सारे कट ऑफ। यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी की बात करें, जनरल में आईटी 4,000 तक क्लोजिंग गई है एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें तो 5,000 पे यहाँ पे क्लोजिंग गई है। ओबीसी की अगर ओबीसी का वेटेज देखें तो उसका भी यहाँ कट ऑफ मेंशन है, एससी और एसटी का भी यहाँ पे मेंशन है। आप देख सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी रैंक तक में आराम से बच्चों को कॉलेज मिला हुआ है। और हम इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पे बात करेंगे, लमसम जितने भी मेन कॉलेजेस हैं वो सारे ही हमने इस वीडियो में कवर कर दिए। आपको कंप्लीट AWBJEE की वीडियो आपकी हो गई है, आपको कहीं और अप्लाई करने, कहीं और ट्राई करने की, देखने की, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखें पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सीएससी इसमें गई है 6,000 तक जनरल कैटेगरी में और ईसी गई है 8,700 तक लमसम क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी की। हम बात करें एससी में तो ये 15,000 तक लमसम सीएससी मिला है और 15,800 तक ईसीई ब्रांच यहाँ पे अलॉट हुई है। एसटी को 48,000 तक और 50,000 तक ईसीई ब्रांच अलॉट हुई है। तो ये आपका हो गया पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट हम लोग बात करें कूच बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की, सीएससी मिली है 6,500 पे जनरल कैटेगरी पे, ईसी यहाँ पे 8,000 तक मिली है और डबली आपको 10,000 तक लमसम यहाँ पे क्लोजिंग रैंक पे मिली है। मैकेनिकल ब्रांच आपको 14,000 तक में क्लोजिंग रैंक पे मिली हुई है। WBJEE की रैंक की हम लोग ये बात कर रहे हैं तो आराम से यहाँ पे कॉलेज आपको अलॉट होता दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखें एससी कैटेगरी में, सीएससी 12,500 तक लमसम गई है और आपकी एसटी में 50,000 तक लमसम ये क्लोजिंग रैंक गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रैंक तक में कूच बिहार में मिला है और इसकी भी फीस बहुत कम है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग्स के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग का कॉलेज आता है टेक्नो मेन सॉल्ट लेक वाला कॉलेज, जो भी हमने बताया था प्राइवेट है। सीएससी की बात करें तो 5,000 तक गई है जनरल कैटेगरी में और आईटी की बात करें तो 7,000 तक लमसम क्लोजिंग में गई है, मैकेनिकल 54,000 तक गई है। बाकी आप देख सकते हैं कट ऑफ यहाँ पे ईसी वगैरह के कितनी कितनी ज़्यादा रैंक तक में कॉलेज अलॉट हुआ है टेक्नो सॉल्ट लेक कॉलेज जो आपका बना हुआ है मेन कैंपस। देन नेक्स्ट हम लोग बात करें हल्दिया इंस्टीट्यूट की, हेरिटेज की हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे हल्दिया इंस्टीट्यूट की। सीएससी आपकी गई है 6,400 तक एंड AIML गई है 8,200 तक लमसम। साइबर सिक्योरिटी आपको 9,300 तक लमसम क्लोजिंग रैंक में मिला हुआ है एंड हम बात करें मैकेनिकल की तो ये 26,000 क्लोजिंग रैंक तक आपको आराम से यहाँ पे मिल रहा है जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक में। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रैंक तक में भी आराम से ये कॉलेज आपको मिला हुआ है हल्दिया इंस्टीट्यूट। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं हल्दिया के बारे में, IIM कोलकाता के बारे में और आपका हेरिटेज के बारे में, तो आप सब देख सकते हैं। एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 14,000 तक लमसम सीएससी मिल गई है और मैकेनिकल 62,000 तक लमसम क्लोजिंग मिल गई है। ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक कॉलेज है, प्राइवेट में बात करें तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। जिसकी हमने बात करी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करी तो जो जेई मेन से ले रहे थे जेई मेन की रैंक आपको बता दी और जो WBJEE के द्वारा आपको मिल रहे थे तो वो भी हमने आपको पूरी बता दी है। तो बच्चों WBJEE के लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको काउंसलिंग्स करनी है, जैसे ही डेट्स आ जाएंगे, एग्जाम तो हो गया, डेट्स जैसे ही आ जाएंगे तो आपको इसमें अपडेट कर देंगे कैसे आपको इसमें चॉइस फिलिंग करनी है या रजिस्ट्रेशन करने हैं, तो ये भी आपको प्रोसेस कंप्लीट बताया जाएगा। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, कमेंट करेंगे तो वीडियो मिलेगा, इसलिए आपको कमेंट निरंतर करते रहना है, बराबर चैनल पे बने रहिएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सारे स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड सर्कल आपका बना हुआ है, ताकि उनको भी अपडेट इसकी मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।